जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज की इस वीडियो में हम लेके हैं आपके लिए लॉन्ग हेयर के जर्मन शेफर्ड की पपीज, 2 लीटर की पपीज अवेलेबल होने वाले हैं इस वीडियो में आपके लिए। क्वालिटी होने वाली है A1। और उसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे कैन कोर्सो की पपीज की, बहुत ही शानदार क्वालिटी के पपीज मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को प्रोसेस बताया जाएगा कि क्या प्रोसेस होने वाला है इस पपीज को लेने के लिए, प्लस प्राइस रेंज क्या होने वाली है, और ये अगर आप घर के लिए कौन सा डॉग बेस्ट रहेगा और गार्डिंग पर्पज से कौन सा बेस्ट होने वाला है, दोनों में बता दूंगा आपको डिफ्रेंशिएट करके कि इनकी एज, हाइट और बहुत सारी चीज़ें जो भी होती है वो मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को खुल के बताने की। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग गुड क्वालिटी, सो क्वालिटी एंड प्रीमियम क्वालिटी के डॉग्स ब्रीड में डील करते हैं। शिपिंग हो जाएगी पप्पी के आपके घर तक, आप लोगों को कहीं आने जाने की कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोसेस बताया जाएगा। आप जस्ट ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी डॉग्स ब्रीड के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम उस पर लेके आएंगे जिस पर ज़्यादा कमेंट होंगे। और पप्पीज़ की बात करते हैं, पप्पीज़ हमारी लोकेशन है नासिक महाराष्ट्र, जैसे मैंने बताया, और पप्पीज़ की डिलीवरी हो जाएगी आप लोगों के घर तक ऑल ओवर इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट। जर्मन शेफर्ड जल्दी और डॉगों के साथ घुल मिल जाते हैं, प्लस सोशलाइज करने में उनको दिक्कत थोड़ी कम आती है। और कैन कोर्सो में भी ऐसा है कि अगर आप स्टार्टिंग से पप्पी ले रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। हेल्थ की इशू की बात करें तो अगर आप सही तरीके से इसको फूड दे रहे हैं, सही टाइम पे दे रहे हैं, तो हेल्थ की इशू आपको किसी भी डॉग्स में नहीं आएगी, चाहे वो जर्मन हो, कैन कोर्सो हो। कृपया डॉग ब्रीड ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट ऑफर और अपडेट प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कैन कोर्सो एंड जर्मन शेफर्ड की पप्पीज की डिटेल्स दी जाएगी आपको, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कंपेयर करके मैं बता देता हूं दोनों पप्पीज के बारे में। कैन कोर्सो की जो हाइट जाती है वो 23 से 27 इंच तक होती है, जो कि जर्मन शेफर्ड से 22, जो जर्मन शेफर्ड की होती है 22 से 26 इंच तक, जो कि 1 से 1.5 इंच तक का फर्क होता है। जर्मन शेफर्ड छोटा होता है यू कैन से। वेट की बात करें तो इसमें कैन कोर्सो विन है, कैन कोर्सो का वेट ज़्यादा होता है जर्मन शेफर्ड से। टेम्परमेंट की बात करें तो इंटेलिजेंट की बात करें तो दोनों ही डॉग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लाइफ स्पेन की बात करें तो लाइफ स्पेन कैन कोर्सो बड़े डॉग्स ब्रीड है तो इसके अराउंड 10 से 12 साल के बीच में होती है, और जर्मन शेफर्ड की अगर आप सही तरीके से रखें तो 13-14 तक भी जा सकती है। और इसके बाद बात करते हैं प्राइस रेंज की, तो प्राइस रेंज जो होता है जर्मन के, आप कह सकते हैं जर्मन के डबल प्राइस में कैन कोर्सो की प्राइस होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग बना रहे और गार्ड डॉग और फैमिली डॉग के लिए जाना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर किसी भी डॉग के लिए जा सकते हो आप, कैन कोर्सो या जर्मन शेफर्ड। बट अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ऑनर हो रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप यू शुड गो फॉर जर्मन शेफर्ड, क्योंकि ये आपको ईजिली आप इसको सोशलाइज कर सकोगे। कैन कोर्सो भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, और आपको अगर एक्टिव डॉग पसंद है तो यू शुड मस्ट गो फॉर जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड काफ़ी एक्टिव डॉग होते हैं, और आपको घूमना फिरना पसंद हो तो जर्मन शेफर्ड आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जो जर्मन शेफर्ड की स्टार्टिंग प्राइस है हमारे पास वो 20 से 25 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग है, थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने आपको। और नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कैन कोर्सो के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, और पप्पीज कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज। हाय, आई एम अंश बरोलिया, आई एम फ्रॉम थाने। आई गॉट दिस एडोरेबल ब्लैक लैब्राडोर फ्रॉम द डॉग ऑफ इंडिया ऑफिशियल। ही इज़ अ वेरी स्वीट एंड वेरी एक्टिव डॉग, एंड वी हाईली रिकमेंड गेटिंग योर डॉग फ्रॉम देम। And even the breeder was very, very kind and helpful, and is still letting us know, giving us information about how to train our dog, how to take care of him. We really recommend it. Thank you. Bye-bye.